और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक जीवन को नई दिशा देने वाला, जीवन को अच्छे संस्कार देने वाला, अच्छा जीवन ढालने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, हमारी तरक्की करने वाला और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय, स्वास्थ्य के संबंधी, जीवन शैली के संबंधी, निर्माण के संबंधी, व्यक्तित्व विकास के संबंधी और कई सूत्रों को लेकर के ये पुनरुत्थान कार्यक्रम में नए नए विषयों के बारे में प्रतिपादन किया जाता है। इसी क्रम के अंदर एक जीवन विकास का बहुत बड़ा विषय आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये एक ऐसा विषय है, अगर व्यक्ति इसको जीवन के अंदर उतार ले, प्रारंभ से ही जीवन का इसको गुरु मंत्र बना ले, तो उस व्यक्ति का जीवन सफल है और वह व्यक्तित्व, वह व्यक्ति विश्वसनीय बन जाता, समाज के लिए पूजनीय बन जाता है, अनुकरणीय बन जाता है, स्तुत्य बन जाता है, वंदनीय बन जाता है। क्यों? कि ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। अगर व्यक्ति अपना एक सिद्धांत बना ले कि मुझे पूरा जीवन ईमानदारी के साथ बिताना है, मेरा हर कार्य ईमानदारी के साथ करना है, तो उससे क्या होगा, उसका पूरा जीवन अनुशासित हो जाएगा। और इस सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को कम करेगा, वो सिद्धांतों के साथ में समझौता नहीं करेगा, वह झूठ नहीं बोलेगा और वह कोई अनैतिक कार्य नहीं करेगा। ऐसे लोगों को कष्ट तो बहुत आते हैं, क्योंकि जो ऑनेस्ट रहने वाला व्यक्ति है उसको कदम कदम के ऊपर जो है कई चीज़ों से जो मुकाबला करना पड़ता है। क्यों? कि हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा डिसऑनेस्टी है और ऑनेस्टी बहुत ही कम है। ये रेशियो आकाश पताल का रेशियो है, 90 और 10 का रेशियो है। लेकिन जो भी जितने लोग ऑनेस्टी के सिद्धांत पर चलते हैं वो हमेशा जीवन में बहुत संतुष्ट होते हैं, बहुत सुखी होते हैं और अपने जीवन के अंदर बड़ा सुकून और बड़ी शांति महसूस करते हैं। अब देखिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का सिद्धांत मानने से सबसे पहले हम देखेंगे इसके फायदे क्या है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति अगर मान लो कोई भी बिजनेस करता है, मान लीजिए ज्वेलरी का बिजनेस करता है और उसके स्टोर है और उसका मालिक इस सिद्धांत को मानकर चलने वाला है, तो उसके जितने भी सेल्समैन हैं वह उस सिद्धांत को निश्चित रूप से मानेंगे। क्योंकि जो सिद्धांत गाइडेड होता है, वह सिद्धांत जो उसका सुप्रीमो होता है, हेड होता है, मालिक होता है, मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, उसकी पॉलिसी के साथ चलता है। इसीलिए इसको पॉलिसी कहा गया है कि उस बिजनेस की क्या एथिक्स है, क्या पॉलिसी है, उसके अनुसार चलता है और उसी के अनुसार विश्वसनीयता प्राप्त होती है। जब धीरे धीरे लोगों को ये जानकारी मिलती है कि इस दुकान के अंदर 90% 24 कैरेट का है तो 24 कैरेट का मिलेगा, 16 कैरेट का है तो 16 का मिलेगा, 20 का है तो 20 का मिलेगा, तो लोग स्वतः इस पर विश्वास करने लग जाते हैं। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के सिद्धांत से उसके पास वाला ही दुकान का चलता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो कहता तो है कि 90 टंच का सोना है लेकिन वो देता 80 टंच का ही है, तो लोग उसको कसौटी पर कसते हैं, तो उसको लोगों को उसकी जो हैसियत का पता चलता है, उसकी बेईमानी का पता चलता है, तो ये बात जो है पूरे सोसाइटी के अंदर, पूरे शहर के अंदर तुरंत फैल जाती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति की रेपुटेशन गिरने लग जाती है और जिसने ऑनेस्टी पे चलना प्रारंभ किया है उसकी रेपुटेशन का ग्राफ बढ़ता जाता है। तो ग्राफ बढ़ते बढ़ते इतना होता है, लोगों की इतना भीड़ लगती है और इतने ग्राहक आते हैं उसको, 1 से 2, 2 से 4, 5 से 10 स्टोर बनाने पड़ते हैं और जो व्यक्ति जिसने कि डिसऑनेस्टी के हिसाब से कार्य किया है, उसने मार्जिन ज़्यादा रखा, उसने बेईमानी की है, तो उसकी वह दुकान भी बंद हो जाती है। तो कितना बड़ा फायदा हो गया। और प्रश्न ये है कि ये पॉलिसी
को अगर हम जीवन में उतारते हैं तो शुरू शुरू में अपने आप को ढालना होता है, शुरू शुरू के साल दो साल कष्ट में आते हैं, फिर वह व्यक्ति स्वयं अपने हिसाब से ढल जाता है, उसका मालिक मैनेजर जो भी होता है और उसकी टीम पूरी ढल जाती है। और जहाँ पर ऑनेस्टी होती है वहाँ पर कोई भी चीज़ को जो है झूठ कहने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ कब छोने पड़ते हैं, और जो सत्य है उसका कोई भी कोण नहीं होता है, सत्य अकेला होता है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, महात्मा गांधी ने कहा है। तो इसीलिए क्या है कि सत्य को जो है कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, परीक्षा झूठ को देनी पड़ती है, लेकिन सत्य का पालन करने वाले को बहुत बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा से निकलना पड़ता है। ऐसा देखिए उदाहरण आते हैं हमारी पूरी भारतीय संस्कृति के, बड़े बड़े उदाहरण जो आता है कि जो कोई भी ऑनेस्ट व्यक्ति होता है उसको टाइटल दिया जाता है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र इतने ईमानदार व्यक्ति थे और इतने उनको जो उनके अपने कर्मों के कारण जो है उनको 12 साल तक जो है चंडाल के घर के ऊपर नौकरी करनी पड़ी। उनकी पत्नी तारा है, उनके पुत्र की डेथ हो गई तो तारा शमशान में आ गई, उस चंडाल ने जो है इनकी राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी जो है उसके अंदर जो शमशान में लगाई, तो वहाँ पर कफन देना जरूरी होता था, किसी शव को लाया जाता है, लेकिन उसके पतारा के पास में कफन भी नहीं था, उसकी भी ऐसी स्थिति बन गई थी। देखिए योग का मामला है, ये सारी सृष्टि संयोग से चलती है। तो लेकिन जब वो कफन मांगा गया वो तारा से, तो उसकी परीक्षा थी, ये अग्नि परीक्षा राजा हरिश्चंद्र की थी, उसकी रानी तारा की भी थी, और उसने अपनी साड़ी फाड़ करके और बच्चे के लिए कफन दे करके और उसका जो है वो दाह संस्कार किया। देखिए बाद में सब कुछ होता है कि वो पुनः जब आज़ाद हो जाते हैं उससे ज़्यादा उनकी गुडविल गिर जाती, लेकिन उनको एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा। माता सीता एकदम प्योर 24 कैरेट का सोना थी, एकदम पवित्र आत्मा थी, तो वो अग्नि से भी ज़्यादा पवित्र थी, तो उसको कई बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और जब एक बार अंत में उनको अग्नि परीक्षा के अंदर वो पृथ्वी जा कहलाती थी, पृथ्वी पुत्री थी और पृथ्वी के अंदर समा गई, और उसके बाद में भगवान राम ने भी जो है पुनः जो है अपनी पानी के अंदर जो उसकी समाधि दी, और आगे जाकर के वो नारायण और लक्ष्मी के रूप के अंदर दूसरा अवतार धारण करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इतना बड़ा सिद्धांत है कि मनुष्य जीवन का इसके अंदर पूरा सार निकल जाता है और वह व्यक्ति एक ईश्वर से कम रूप नहीं होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर आज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को हम अपने जीवन के अंदर उतारें तो इसकी कितने फायदे आप देखिए। और दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूं कि जो व्यक्ति ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को पालन करता है वो उसका जीवन इतना स्पष्ट होता है, एक खुली पुस्तक की तरफ बन जाता है, उसको कोई चीज छुपाने की आवश्यकता नहीं होती है, हर चीज आराम से दिखानी होती है, क्योंकि उसको छुपाने की क्या आवश्यकता, चाहे इनकम टैक्स वाले आ जावे, चाहे कोई भी व्यक्ति उनकी परीक्षा लेने वाले आते हैं, तो वो 24 कैरेट सोने के रूप के अंदर खरा उतरता है परीक्षा के अंदर, क्योंकि वो डिसऑनेस्टी करता ही नहीं है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो है एक ऐसा सिद्धांत है जो कि एक समाज का बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। आज मैं 10 15 20 25 साल के सिनेरियो की पहले की तरफ जावे तो लोग ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी काफ़ी हद तक बहुत सी संख्या के अंदर लोग इसको पालन करते थे, व्यापार के अंदर, सरकारी कर्मचारियों के रूप के अंदर, समाज के रूप में, पर जनता के अंदर इसका प्रचलन था। लेकिन धीरे धीरे जो आदमी में लोभ की प्रवृत्ति बनी, आदमी ने धन का आकर्षण बढ़ा, तो उसके कारण के अंदर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बनती गई और धीरे धीरे लोग डिसऑनेस्ट ज़्यादा होने लगे। मैं ये क्यों हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 25-50 साल पहले जो है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैथमेटिक्स की एक थ्योरम है कि एक सेंटर से एक सर्कल खींचा जाता है, यानी एक सर्कल का एक ही सेंटर होता है, उस सेंटर के अंदर मनुष्य था, मानव था, मानवीय गुणों की जो है
प्रशंसा की जाती थी और उसको उसको ऊंचा स्थान दिया जाता था, उसकी पूजा की जाती थी, वो वंदनीय होता था, स्तुति होता था, वो अनुकरणीय होता था समाज के अंदर। लेकिन और जो परिधि है जिसके ऊपर सर्कल खींचा गया है, धन दौलत की जितने साधन है, अर्थ है, वो परिधि में था। अब क्या हुआ कि कुछ वर्षों के अंदर व्यक्ति की मानसिकता बदली, व्यक्ति के लोभ की प्रवृत्ति जागृत हुई और अर्थ को अतिरिक्त स्थान दिया गया। सबसे बड़ी बात है, अर्थ को अतिरिक्त स्थान देना या लोभ बढ़ना दोनों एक ही बात है। तो क्या हुआ, मनुष्य को फेंक दिया गया परिधि के ऊपर और अर्थ को ले आए सेंटर में। अर्थ को सेंटर में लाने से बहुत बड़ी मूल के अंदर भूल हो गई कि आज हर व्यक्ति ये सोचने लगा येन केन प्रकारेन बाई हुक और क्रुक अर्न दी मनी, आप मल्टी मिलियनर बने, आप करोड़पति बने, क्योंकि समाज के अंदर एक मापदंड हो गया, जिसके पास में पैसा है वही बड़ा है, वही चरित्रमान है, चाहे उसने बेईमानी से ही पैसा कमाया हो, और जो बेचारा ऑनेस्ट व्यक्ति है, जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में अर्जन करता है, उसकी कोई पूछ नहीं है। इस कारण धीरे 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 समाज के अंदर ऑनेस्टी नीचे गिरने लग गई और डिसऑनेस्टी बढ़ने लग गई। भाइयों, उसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। ये सारे दुष्परिणाम समाज के अंदर, इतना परिवर्तन क्यों आया समाज के अंदर, मूल्य क्यों गिर गए, क्योंकि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी को छोड़ दिया गया और हर व्यक्ति जो है वह एक चरित्रहीन होने लग गया, और पैसा प्रधान होने की वजह से 24 घंटे व्यक्ति 99 के चक्कर के अंदर भज कलदारम उसी के अंदर दौड़ता जाता है, और वो इस सिद्धांत को भी भूल गया कि शुद्ध साधन के लिए जो है, शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन चाहिए, वो भी भूल गया, क्योंकि उसका लक्ष्य है साध्य, वो बिगड़ गया। उसका साध्य एन केन प्रकारेण धन कमाना है, वो साधनों की परवाह नहीं करता है। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का पालन करने वाला व्यक्ति साथ साथ में यह भी पालन करता है, अच्छे साध्य के लिए अच्छे साधन की आवश्यकता है। जब हमारा साध्य जो है ऑनेस्टी है, तो लक्ष्य भी जो हमारा लक्ष्य और साध्य ऑनेस्टी है, तो साधन भी जो ऑनेस्टी के बन जाते थे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दूसरे के एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। उसी तरह से डिसऑनेस्टी और जो असाध्य, जो हमारा साध्य वो अशुद्ध है, वो दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर समाज के अंदर बदलाव लाना है, तो हमें मनुष्य के गुणों को, वो मानवीय मूल्यों को स्थान दिया जाए। जो व्यक्ति चरित्रवान है, उस चरित्रवान व्यक्ति की पूजा किए जाए, चाहे नेता हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे अफसर हो, चाहे समाज का माननीय व्यक्ति हो, किसी भी पद का हो, तो वो चरित्रवान लोगों को स्थान दिया जाना चाहिए और चरित्रहीन लोगों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। आज हम प्रतिदिन अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर, किसी भी मीडिया को देखिए, तो आपको ये झलकेगा कि जो कितना झूठ पनप रहा है, झूठ पनपने का कारण ये है, इस पॉलिसी को हम छोड़ते जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के कुछ हम और जो है नए नए उदाहरण दे करके इसको क्लियर करें कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का जो व्यक्ति पालन करता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। क्यों? उसको कोई छुपाने की जरूरत नहीं होती है, उसके बहुत मेंटल पीस होती है। जो व्यक्ति मेंटल पीस के अंदर रहता है, उसका व्यक्ति के दूसरे चार स्वास्थ्य, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुल 5 तरह के स्वास्थ्य बताए गए हैं, उसमें से पहला स्वास्थ्य है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ। जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, मानसिक संतुलन है, उसके चारों हेल्थ ऑटोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि सबको गवर्निंग जो फैक्टर है वो मेंटल पीस है, मेंटल हेल्थ है। ये जरूरी है कि जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का करने वाला व्यक्ति ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर सकता, करेगा भी नहीं, और वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेगा, फालतू खर्चा भी नहीं करेगा, फालतू दिखावा भी नहीं करेगा, लेकिन उसका जीवन है वो स्थायी हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का पालन करने वाले का वरी का परिवार जो है
वह भी संस्कारी परिवार होगा, क्योंकि उसके बच्चे ये मानकर चलेंगे कि मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति है, ऑनेस्ट व्यक्ति के पास में फालतू का पैसा कहाँ से आएगा, अनैतिक कमाई कहाँ से आएगी। तो बच्चे कभी भी अनैतिक डिमांड की आवश्यकता नहीं करेंगे, उसकी मांग नहीं करेंगे, और जो अपने पास में प्राप्ति है उससे संतुष्टि होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का पालन करने वाले की दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो इस विश्व का सबसे संतुष्ट व्यक्ति है। संतोषम परम सुखम, गजधन गोधन गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मतलब सारी दुनिया के जितने भी धन हैं वो धूल के समान कब आता है, जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, संतोषी हो जाता है। और व्यक्ति संतोषी कब होता है, जब ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी को पालन करके चलता है, ये मान के चलता है कि मुझे जो ईश्वर दे रहा है, मुझे प्राप्त हो रहा है, इसी में ही मुझे अपना सारा कार्य चलाना है। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे इस पारिवारिक जीवन की भी बड़ी विशेषता है कि हम 10,000 रुपये मंथली के अंदर भी अपना परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, 1,00,000 में भी कर सकते हैं, 1,00,00,000 में भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप एजुकेशन की भी देखिए, अगर बच्चा स्टूडियस है तो वो एजुकेशन 1,000,000 में भी होती है, 1,00,000,000 में होती है, 1,00,00,000 भी होती है। बच्चा स्टूडियस होना चाहिए, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का पालन करने वाले बच्चे हमेशा स्टूडियस होंगे, क्योंकि उनको अपने परिवार के संस्कार, माता पिता के संस्कारों का पूरा ज्ञात है, वो उनको जानकारी होती है। तो इसलिए भाई और बहनों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के फायदे ही फायदे हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि 100 बीमार और 1 अनार, आप अगर मुझे कहो कि जीवन के अंदर एक ही सूत्र हमें ऐसा दे दो कि जिससे कि हम अपने जीवन को सफल बना दें, हम ये सोचने लग जावें कि मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा सामाजिक जीवन है, वह एकदम जो है एकदम अच्छा जीवन है, एकदम नंबर 1 का जीवन है, तो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी से पालन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति कभी प्रतिस्पर्धा में जाए नहीं जाएगा। आज का समाज क्यों बिगड़ रहा है, होड़ में बिगड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा में बिगड़ रहा है। एक भाई देखता है कि उसकी बेटी की शादी में 10,00,000 रुपये खर्च किया, तो अपने को बड़ा बताने के लिए वह 20,00,000 खर्च करता है, मतलब प्रदर्शन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है ताकि लोग माने कि यह बड़ा व्यक्ति है। तो इसलिए वो कभी भी इस तरह की प्रतिस्पर्धा में नहीं जाएगा। प्रतिस्पर्धा होती है वो घृणा पैदा करती है, वो ईर्ष्या पैदा करती है। तो ये जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के अंदर नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आने चाहिए। बस मात्र एक ही है, इस सिद्धांत का पालन करने वाला व्यक्ति जो है वो अपने आप में ठोस होना चाहिए, उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, और संकल्प शक्ति दृढ़ होने के बाद में कोई उसको हिला नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं, इसका मतलब है कि हम स्वयं की मदद कर रहे हैं, हम दृढ़ संकल्पित होते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर की मदद अवश्य मिलती है। ईश्वर भी जो है ऐसे लोगों को मदद करता है, वो डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली बहुत जो है फायदे करा देता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति ईश्वर कैसे मदद करता है। कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, और एक समय ऐसा आया कि उसने कुछ माल एक्स्ट्रा स्टॉक कर दिया, फास्ट मूविंग आइटम जो है स्टॉक के अंदर रह गया, और दूसरे दिन ये मालूम पड़ा कि उसके भाव कुछ वजह से डिमांड एंड सप्लाई का जो है आपस के अंदर तालमेल न होने से, यानी डिमांड बढ़ने से जो है, और पीछे से सप्लाई कम आने की वजह से उसके पास में जो माल स्टॉक पड़ा है, वह स्टॉक जो है कारण उसके भाव 10 गुने बढ़ गए। अब उसने जानबूझकर नहीं किया, उसने तो अपना नेचुरल वे में किया कि हमको आगे सीजन आ रहा है, उस सीजन के लिए हमें अपनी पहले तैयारी करनी चाहिए। देखिए, ये ईश्वर ने दे दिया, जो
जो ऑनेस्ट लोग होते हैं उनको ईश्वर दूसरी तरफ से दे देता है। ईश्वर की भी बड़ी लीला महान है कि वो हमेशा अच्छे लोगों को सपोर्ट करता है। मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी की बात बताता हूँ कि हमारे जैन मंदिर बना करते हैं, जैन मंदिर के अंदर सारा करोड़ों रुपए का डोनेशन जो है वो जैन भक्तों के द्वारा आता है। अगर कोई भक्त ईश्वर से प्रार्थना करे और जिन शासन देव के जो है वो अधिष्ठायक देव हैं वो उनकी रक्षा करते हैं कि जिस तीर्थंकर का मंदिर बनता है वो तो मोक्षगामी हैं, वो अरूपी हैं, वो किसी से बात नहीं करते, भाषण नहीं करते, लेकिन उनकी सेवा करने वाले हर तीर्थंकर के आज अधिष्ठायक देव है। तो देव करते हैं कि इसकी कितनी, इस मेरे भक्त की कितनी दृढ़ संकल्प शक्ति है और इसकी भावना कितनी ऊंची है कि ये मंदिर बनाना चाहता है, धर्मशाला बनाना चाहता है, भोजनशाला बनाना चाहता है। तो वो तुरंत क्या है, उसकी भावना को फलित करने के लिए समझ लीजिए एक गड़ा हुआ धन है ना, उसको कहीं से मिल जाता है, उसको किसी न किसी रूप में, जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया था, किसी न किसी रूप में उसको बिजनेस के अंदर बहुत फायदा हो जाता है, पड़ी हुई चीज़ के भाव 10 गुणे हो जाते हैं, समझ लीजिए गड़ा धन मिल जाता है। और उसके कारण, उस उच्च भावना के कारण वह संकल्प करता है कि जो है मैं अपने जो है इस भवन, इस मंदिर को बनाऊंगा, उसकी बोली बोलता है और सारा उसका भार अपने पे लेता है, अधिष्ठायक देव उसको मदद करते हैं। देखिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के कितने फायदे हैं, इसके फायदे ही फायदे हैं, ये अमृत है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें क्या है कि व्यक्ति की संकल्प शक्ति बहुत दृढ़ होना चाहिए, व्यक्ति को थोड़ा त्याग भी करना पड़ता है, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है और अपने जीवन को जो है वो बहुत ही कहना चाहिए सादा जीवन उच्च विचार रूप में बनाना पड़ता है, अपने जीवन की आवश्यकताओं को घटाना पड़ता है। आज डिसऑनेस्टी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, एक तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा देता है, दूसरा व्यक्ति क्या है ग्रीड के फॉर्मूले पर चला जाता है कि नहीं धन इकट्ठा करो कि समाज के अंदर एक मापदंड है, जिसके पास ज़्यादा धन होता है, ज़्यादा प्रदर्शन करता है वो बड़ा माना जाता है। ये भी एक मान्यता बहुत ही गलत है। ज्ञानी पुरुष और चरित्रवान व्यक्ति को जो है स्थान दिया जाना चाहिए, वो पूजा के योग्य होता, पूजनीय होना चाहिए, लेकिन समाज ने ऐसे मापदंड बनाए हैं तो समाज उसके दुष्परिणाम आज देख रहा है। और देखिए धन प्राप्त होता है या न होता है, लेकिन उसकी प्राप्ति करने के लिए लोग कितने हथकंडे अपनाते हैं और उस हथकंडों के अंदर वह जेल जाते हैं और उनको कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है। और सबसे बड़ी यातना है कि जिस रास्ते वो चल रहे थे और जो उनकी रेपुटेशन थी, वो रेपुटेशन अनैतिक कार्य जब सामने आते हैं तो उसकी सारी रेपुटेशन धूमिल हो जाता है और उस व्यक्ति का चरित्र है वो जीरो हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम निष्कर्ष की बात करना चाहते हैं। हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम वो सोशल यूटिलिटी की बात करता है कि इस एपिसोड से सामाजिक उपयोगिता क्या है, इस एपिसोड के माध्यम से जो व्यक्ति को क्या मिलेगा, सोसाइटी को क्या मिलेगा, राष्ट्र को क्या मिलेगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बराबर नियमित रूप से देख रहे हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य जगत कल्याण करने का है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का पालन करें और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बनावें।